जिस परिवार के पुरखों ने मुझे डाकू बनाया, मैं पानी देने वाला जिंदा नहीं रह सकता। रहम करो डाकू साहब, रहम करो। बच्चे को अलग करो। इस बच्चे का क्या कुछ है? नहीं। ये उस वंश में पैदा हुआ है जिसने जब्बर सिंह से दुश्मनी मोल ली। अलग करो। भैया तू किस मासूम बच्चे से क्या बैर था? अरे जिस गांव के लोग बुजदिल और कायर हों, उनके बच्चों का यही हश्र होता है। याद है एक दिन कोर्ट में तुमने मुझसे पूछा था कि मुझे पकड़वा कर तुम्हें क्या मिला, और मैंने कहा था कि ये मेरा फर्ज है। अगर ये फर्ज सब गांव वाले समझ लें तो आज बजाय इस बच्चे की लाश के और उन डाकुओं की लाशें मिले। कल जो इस घर में वारदात हुई, मैंने सुना आपने एक डाकू को पहचान लिया। जी हाँ। उसका नाम हरिया। आपको कैसे मालूम कि उसका नाम हरिया है? वो इसी गांव का बच्चा है, हमारी आंखों के सामने बड़ा हुआ है दरोगा जी। आप हरिया के खिलाफ अदालत में गवाही देंगे? जरूर। डाकुओं से डरेंगे तो नहीं? हम भी ठाकुर हूं दरोगा जी, देखा है तो देखा है, जरूर गवाही देंगे। अदालत में हरिया के खिलाफ गवाही तू ही दे रहा है? सुअर के बच्चे, मुझे मालूम नहीं हरिया हमारा साथी है। मालूम है। चीज ज्यादा लंबी हो गई है, कहां से लाई है हिम्मत? हिम्मत की बात नहीं, फर्ज किया ठाकुर साहब, फर्ज समझ के किया। पुलिस का दलाल बनकर जो चंबल के बेटों से गद्दारी करता है उसे गोली मार दी जाती है। ने अपना फर्ज पूरा किया, मैं अपना फर्ज पूरा करूंगा। दया करो ठाकुर जी, दया करो, मेरे प्राण ले लो, इन्हें मत मारो। तुम अंदर जाओ अंजू की माँ, तुम अंदर जाओ। दया करो ठाकुर जी, दया करो, दया करो। सुना नहीं तुम्हारे आदमी ने क्या कहा? अंदर जा। सुना है डाकू लोग बहादुर होते हैं, और बहादुर बीवी बच्चों के सामने बाप की हत्या नहीं करते। मुझे मारना है तो गांव के बाहर। नहीं, गोली यहीं चलेगी सबके सामने। हम चाहते हैं कि तेरे घर वाले, तेरे गांव वाले सब देखें कि पुलिस के दलालों के साथ कैसा सलूक किया जाता है। ये डाकुओं की गोली की आवाज है, भागो। मेरी बंदूक और गाड़ी पेटी में कारतूस पड़े हैं, वो लेकर जल्दी आओ, तुम जल्दी आओ। Thank you.
बड़ा मूर्ख था पटेल। डाकुओं ने उसके सीने पर बंदूक रखते हुए पूछा, बोल हमारे खिलाफ गवाही देगा? तो बेवकूफ बहादुरी दिखाते हुए बोला, हाँ दूंगा। तो फिर डाकुओं ने गोली उतार दी ना छाती में? अरे तुम कायर और पुस्तिर ही नहीं, कमीने और सलील भी हो। एक ही बहादुर इंसान था तुम्हारे गांव में जिसने तुम लोगों के लिए अपनी जान दे दी, बजाय इसके कि तुम इसकी लाश पर आंसू बहाओ उसका मजाक उड़ाते हो। अगर तुम में जरा गैरत और इज्जत है तो चिल्लू भर पानी में डूब मरो। लो बोलो, अब लूले लंगड़े अपाहिज भी हमारा मजाक उड़ाने लगे। शर्म नहीं चाहिए ऐसी बेहुदा बात कहते हो। पटेल ने गांव की भलाई के लिए अपनी जान दे दी, अगर वो भी तुम्हारी तरह बुजदिल होता, अगर उसे भी तुम्हारी तरह अपनी जान प्यारी होती तो वो भी तुम चूहों की तरह कहीं छुप जाता। बातें करना बहुत आसान है अजीत बाबू, जब डाकू सामने होंगे तो मुंह से जबान नहीं निकलेगी। तुम लोगों के सिवाय औरतों की तरह ताने देने के कुछ आता है? आज से ये गांव मेरा भी है और मैं तुम सबके सामने कसम खाकर कहता हूं, अगर डाकू ने दोबारा इस गांव में कदम रखा तो मैं उनका सामना करूंगा। इनमें से किसी को पहचानते हो? देखो गौर से देखो, डरो नहीं, ये भी तुम्हारी तरह इंसान है, कोई भूत प्रेत नहीं। कमाल की बात, कल दिन दहाड़े रामदीन का खून हुआ यही इसी जगह और आज सारा गांव खामोश है। मंगलू, वारदात तेरे घर के सामने हुई, तुमने कुछ तो देखा होगा, इनमें से कोई था? सरकार, मटकी बनाते बनाते सुराही बन जाती, आंखें कमजोर हो गई सरकार, हम क्या बताएं सरकार? ये क्या बताएंगे, मैं बताती हूँ तो कुछ नहीं बताएगी। अपने बापू का हाल नहीं देखा, कसाईयों ने कैसे उनके प्राण लिए थे। तू आड़े आएगी वो तेरे बैरी बन जाएंगे। याद नहीं पंडित तुलसीराम ने बैर लिया था तो उनके परिवार को एक एक करके मारा था। अपने बापू की जान ली है माँ तो उनको बचाना चाहती है? नहीं बेटे, मैं अपने रहा बचाना चाहती हूँ। पुलिस का साथ तो दो एक दिन का होता है लेकिन ये डाकू सदा के बैरी बन जाते हैं। माफ कीजिए, कल जो हुआ मुझे उसका बहुत अफसोस है। आप लोगों ने कुछ तो देखा होगा, इनमें से किसी को पहचान सकती हैं? देखते तो जरूर बतलाते। अजीत बाबू, तुम्हें पंचायत ने इसलिए बुलवाया है, इस तरह डाकू को ललकारना बेवकूफी, गांव वालों के लिए खतरनाक। अजीत बाबू, न तो तुम्हारा कोई है न फौजी का, तुम जो चाहो तो कर सकते हो, लेकिन हम ठहरे बाल बच्चों वाले। उधर डाकू के खिलाफ पुलिस में गवाही दी, इधर हमारे बाल बच्चों की जान गई। बिल्कुल वो तुम लोग समझते क्यों नहीं? अरे 1000-1500 की ये बस्ती अगर मिलकर डाकू के सामने डट जाए तो ये 10-15 डाकू हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अगर तुम सब मिलकर डाकू के खिलाफ पुलिस में गवाही दे सको तो चंद ही दिनों में ये डाकू फांसी के तट पे बनाऊंगा। एक बात है ठाकुर, हम उस गांव का रास्ता ही क्यों ना छोड़ दें, बाकी सारा इलाका पड़ा है। नहीं, इस गांव से हमारे खिलाफ आवाज उठी है तो उठने दो, जब हम वहां जाएंगे ही नहीं तो हमें क्या पड़ा है? गलत, अगर हमने इस आवाज को बंद नहीं किया तो दूसरे किसी गांव से एक और आवाज उठेगी। हम 7 साल से जिंदा इसी कारण है कि हमारे डर से कोई पुलिस का साथ नहीं देता। एक बार अगर गांव वालों के दिल से हमारा डर निकल गया तो अगले दिन हम फांसी के तख्ते पर होंगे। जिस दिन पुलिस उस गांव से निकल जाए मुझे बता देना, चलकर उस शहरी लौंडे को सबक सिखाना पड़ेगा। कितिया बतिया ओमला भागोरे डाकू आवेले। कमीने कुत्ते, तू फिर आ गया। बोल मेरा बेटा कहाँ? मेरा बेटा कहाँ? बोल मेरा बेटा कहाँ? ए बुढ़िया, चल। दो चार दांत जो मुंह में बाकी है लौट मरूंगा बाहर निकाल दूंगा। बड़े बहादुर हो ठाकुर, घोड़े पर सवार हाथ में बंदूक लिए
एक बुजुर्ग औरत को गालियां दे रहे हो। ठाकुर हो या किसी गांव के कुत्ते, एक मां समान औरत को बुढ़िया कहते हो, शर्म नहीं आती? उसट को बुढ़िया नहीं तो 16 साल की छोरी कहूं? हत्ते पर गोली नहीं चलाते, समझे? इधर आओ। तेरा बेटा आ नहीं गया? घबरा मत, मैं इसे बंदूक चलाना सिखाऊंगा, और जब सीख लेगा फिर देखना कि ये तेरा बेटा क्या करता है। सब गलत, सब गलत। तुमको बंदूक पकड़ना भी नहीं आता है, तुम बंदूक चलाता है कि तीर कमान चलाता है? इधर पकड़ो, पकड़ो इधर, अब लगा निशाना सामने, चला गोली। कटा हुआ झाड़ का माफिक गिर जाता है।